Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की हॉरर फिल्म स्त्री की असली कहानी के बारे में। स्त्री ये फिल्म दरअसल कर्नाटक राज्य में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये साल 1990 की बात है। बैंगलोर के आसपास मौजूद कई गांवों में एक डायन अपना कहर बरसा रही थी। उन गांवों में रहने वाले लोगों के मुताबिक यह डायन रात के वक्त उन लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती थी और जो भी बदकिस्मत आदमी वो दरवाजा खोलता था उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो जाती थी। और इस तरह की घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि घर के लोग जल्दी से दरवाजा खोले इसलिए वो डायन उनके घर में अनुपस्थित किसी प्रियजन की आवाज निकालती थी और ज्यादातर पुरुष ही उस डायन का कार बन रहे थे। इन घटनाओं से परेशान होकर ज्यादातर गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे, पर कुछ दिन बीतने के बाद बचे हुए गांव वालों ने एक बढ़िया सी तरकीब लगाई। उन्होंने घर के दरवाजे और दीवारों पर कन्नड़ा भाषा में लिखा नाले बा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल आना। और ये उपाय करने के बाद चमत्कारिक तरीके से उस डायन द्वारा उनके दरवाजों पर पड़ने वाली दस्तकें हमेशा के लिए रुक गई। कहा जा रहा था कि दरवाजों पर लिखे नाले बा इस वाक्य को पढ़ने के बाद वो डायन वापस लौट जाती थी और धीरे धीरे इस डायन का आना हमेशा के लिए बंद हो गया। बैंगलोर में घटी इस सत्य घटना को उस वक्त के कई न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल 1 अप्रैल के दिन बैंगलोर के इन गांवों में रहने वाले लोग उस डायन को हराने की खुशी में नालेबा दिवस मनाते हैं। दोस्तों, तो ये थी स्त्री फिल्म बनने के पीछे की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।